भाई मंच के आसपास खाली कर दो जगह, हाथ जोड़ के विनती है। तो मेरे पीछे खड़े मंच के पीछे खड़े, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे जाए। जो कार्यकर्ता मंच के पीछे खड़े कृपया वो मंच के सामने आने का संकेत दो। यार हाथ जोड़ के विनती है, पीछे खिसक जाओ। बहुत जगह पड़ी अपने पास, मैं मल्ला पंडित का नाम लूंगा। हमारे बीच पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश जी जांगेड़, कार्यक्रम की अध्यक्षता करे देवराम जी सैने, वार्ड नंबर 23-24-25 के समस्त मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, आज मैं जिस प्रकार से एक उस मोहल्ले का उत्सव और एक जो उमंग देख रहा हूँ, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाली 7 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में पहुंचाने का काम हम राकेश जी को अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पिछले 8 रोज से हम गांव में करीब करीब 160 गांव में दौरा कर चुके हैं। जिस प्रकार से इस वार्ड में जो
जो उत्साह होगा जो आप में एक ललक है राकेश की वो राजस्थान विधानसभा में भेजने की, वो निश्चित तौर पर आपकी पूरी होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मेरी माता और बहनों जहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति हो, निश्चित तौर पर उस वो इलाका जागरूक हो चुका है और उसको सही जनप्रतिनिधि चयन करने का मौका मिल गया है। आपका जो लोकप्रिय लाडला चेयरमैन जिसकी तमन्ना थी कि राजस्थान विधानसभा में तारानगर में स्थानीय आदमी पहुंचे, आपका पार्टी हमारी ने विधायक जी ने आदरणीय राठौर साहब ने आपकी वो बात पूरी की, स्थानीय व्यक्तित्व आपको दिया। अब अपना मौका है कि 7 दिसंबर को किसी भी सूरत में एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक मेरी माता और बहनों को काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान विधानसभा में पहुंचाने का काम आप लोगों ने कर दिया है, मुहर लगानी है मात्र मात्र कमल का बटन दबा करके 7 दिसंबर को, जो अपना मेहनत महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य में कोई देरी नहीं करेंगे, आज से अपन लग जाएंगे, प्रत्येक घर में राकेश जी बन करके काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो इच्छा ही तारानगर की वो इच्छा पूरी निश्चित तौर पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है वो तारानगर के लिए एक ऐतिहासिक है, एक ऐसी तारानगर की यादगार बन सकती है और ये आपका हाथ में फैसला है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके सामने जो दूसरे जो उम्मीदवार है वो देखे वाले उम्मीदवार है, उनको अपने देख लिया, वो टाइम बार हो चुके हैं, ऐसे टाइम बार प्रत्याशियों को छोड़िए और युवा और ऊर्जावान जो आपके बीच में रहने वाले काम करेंगे। आप लोग बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हो, समय भी हो गए, मैं सभी माता बहनों को नौजवान दोस्तों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका ये जोर शोर बना रहे इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिता जी संबंधी आपकी साथियों मित्रों बैठ जाओ, हटो थोड़ा बात बैठ तो नहीं है। आज की चुनावी सभा के मुख्य आकर्षक भाई राकेश जी जांगीर साहब, साथ में विराजित भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई महावीर जी पूनिया साहब, वासुदेव जी शर्मा साहब, जगदीश जी गाइमा साहब, राजेंद्र जी दैया साहब, सम्मानित मंच सामने विराजित मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माताएं बहने एक को छोड़कर, साथियों कुछ समय पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 18 उम्मीदवार जीत करके आए थे और हम लोगों को एक कैंप में इकट्ठा करके किया गया था और उसमें राय जानी गई थी कि चेयरमैन किसको चुना जाए, हमारे विधायक महोदय, हमारे मंत्री महोदय, उन्होंने हम सबसे राय जानी तो एक साथ एक आवाज निकली उस राकेश जांगिड़ को चेयरमैन पद की जिम्मेवारी सौंपी गई और 3.5 साल होने जा रहे हैं। उस 3.5 साल में हम तारानगर शहर के लोगों को वो मजा आया चेयरमैन बनाने का, गली में सड़कें और सफेद लाइटों की रोशनी हमें देखने को मिल रही है। इस शहर में हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें दूसरी जगह पार्क में घूमने जाया करती थी, हमारे बच्चे जो घूमने जाया करते थे वो यहाँ दूसरी जगह के यहाँ आ रहे हैं। साथियों हमारे बिल्डिंग थी जर्जर हुई थी और लंबे समय से तरस रहे थे गांव के लोग कुर्सी में बैठने के लिए, राशन कार्ड के लेकर के जाया करते थे, हम लोग देख रहे थे, हम शर्मिंदा होते थे, सामने खड़े रहते थे। आज जिस कुर्सी पे ईओ महोदय बैठता है, जिस कुर्सी पे घूमने वाली पे चेयरमैन बैठता है, उसी पे जाने वाला व्यक्ति शहर का बैठता है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ चेयरमैन राकेश भाई जांगिड़ का। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, भारतीय जनता पार्टी राकेश जांगिड़ जीत हमारी पक्की है।
एक बार सारा लोग रुको, जिसका कहने के माता बहन आई है, मैं दिन घर घर के तो फिर होने जाए, मैंने पूछो की मीटिंग है, मैं को भी राकेश की है, बोला पड़ो राकेश के, तो अभी राकेश घर गांव आई है धान कर रही होते, तो कह के माता बहन आई है, ऐ धान देख नहीं है, अब कैसे जोरदार नारे नारे इतने जोरदार होने चाहिए कि जयपुर पहुंच जाए। रुको भैया सब लोग सुनेगा, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और जिन्होंने विधायक जी का कार्य, सब लोग चुप रहो एक बार, ये है भैया कहना, चुप रहो एक बार, सब लोग चुप हो जाओ एक बार, आप 10 मिनट है ना, प्रेम सुन लो, बैठ जाओ आराम, थारो जगो प्यार, थारो जगो आशीर्वाद, थारो जगो प्रेम, थारो जगो स्नेह, वो सिर माते सारो सारो 5 मिनट पर बात करो। जिन्होंने 5 साल विधायक जी का अच्छा कार्यकाल देखा, ऐसे बड़े भाई महावीर जी पुनिया साहब, आपके लाडले बड़े भाई सरदे जेडी साहब, आपके ही लाडले भाई सुशील जी सरावगी, आपके ही लाडले हाजी इल्मुद्दीन जी, और हमारे नगर पालिका तो पूरी बैठी है, सारा का नाम लेने वाला है, तो सुबह 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 हो जैसी ए वास्ते सारो मंच और अठे अपने शीतला माता की पावन धरा, सनी बाबा की पावन धरा, जहर वीर गोगा जी की पावन धरा और ईदगाह की पावन धरा, इस सरगम पर विराजमान मेरे बुजुर्गा नौजवान साथिया माता और बहना, चेयरमैन जी आशीर्वाद बाबू भाई को देने के लिए, ये जो आपका ये आपका बेटा समझो, आपका भाई समझो, आपका साथी समझो, ये आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है। मैंने ईमानदारी से इस शहर की सेवा की और 3 साल के जो सेवा की, मैं मेरा दिल खुश है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये एहसास है कि तेने जो सेवा की उसका पुण्य आज मैं देख रहा हूँ। आपका जो प्यार इतना हुजूर उमड़ा है गांव गांव ढाणी ढाणी में, निश्चित तौर पर एक अलग लहर है और आने वाली 11 तारीख को ऐसा तारानगर होगा जिसका नाम पूरे राजस्थान में एक नंबर पर आएगा, सबसे पहले जीत होगी। दोस्तों मैंने इस बार भाई मैंने ईमानदारी पूर्वक ये तारानगर की सेवा की है और आज आप हमारे सामने जो शक्तियां खड़ी है, हमें सोचने का समय है, ऐसे लोग जो 9.25 साल तक नहीं आए, कभी देखा है मेरे सामने एक कांग्रेस का उम्मीदवार, कभी नाम सुना है उनका, कभी आए तो बता दो, नरेंद्र जी बुढ़ानिया का किसी ने नाम सुना है और कहीं आए, अब चुनाव आ गए और जाति पाति में बांटने के लिए आ रहे हैं, बैज परिवार 9.25 साल नहीं आया और अब आ रहे हैं कि थारी राखी राशि, एक 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 वो जो कल तक पार्टी को माँ कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और आज माँ को मारने के लिए सामने खड़ा है, ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें हमारे तारानगर की जीत करानी है और दिल्ली की हार करानी है, जयपुर दिल्ली वाले ये चल चल कराते हैं, तारानगर के अस्तित्व की लड़ाई है।
जो तारानगर, जिस तारानगर को चारागाह समझ रखा है, जैसे आया और कोई चरके चला गया। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात की 11-12 बजे से जब आप चाहो यहाँ तारानगर में मिलूंगा, लेकिन 11 तारीख बाद में ये कोई नेता नहीं मिलेगा, एक भी नेता यहाँ नहीं मिलेगा। जब जब आपने आपके बेटे को, आपके भाई को पुकारा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, एक ऐसा भी मुद्दा है जो आज मेरे फोरम के अंदर उसमें मुकदमा लगा है, और वो है शीतला माता का आशीर्वाद। लेकिन रुको, मैंने फोरम भरा तब पूछा कि आप पे कोई मुकदमा है, मैंने कहा मुकदमा तो नहीं है, लेकिन एक मुकदमा है और वो जनता का मुकदमा है, मेरा नहीं, वो शीतला माता का मुकदमा है, वो मुकदमा मेरे फोन में भर दीजिए। ऐसे ऐसे लोग जो मंदिर हम वर्षों से जानते हैं कि ये शीतला माता यही थी, हमने कौन सा बुरा किया था, लेकिन इसका फल भी ये शीतला माता दे रही है, ये बंदा आपके सामने खड़ा है। अब समय सोचने का है, हमें क्या करना है। आने वाली 7 तारीख तक मेरी माता बहने बैठी हैं, मेरे युवा साथी खड़े हैं, हमने जो तारानगर को स्टार सिटी बनाया है रीणी से निकाल कर, ये तो खाली ट्रेलर है, आने वाला कल देखना कैसा तारानगर है। पूरी विधानसभा को ऐसी विधानसभा बनाएंगे कि एक सुनहरी विधानसभा होगी। बस आपका साथ, 7 तारीख तक आप सब, आपका बेटा समझो, आपका भाई समझो, आपका दोस्त समझो, सब राकेश जागेट बनोगे और घर घर घूमोगे कि एक ही नारा लगाना कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तारानगर नहीं है, तारानगर तो तारानगर वालों के ही नहीं है, बाहर वाले को भगाओ। जो लोग आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो लोग आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं, वो लोग हमारे नहीं हो सकते, वो लोग गद्दार हैं, वो तारानगर के लिए धोखा कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे तारानगर में स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, वो सिर्फ अपने लिए सब स्थानीय उम्मीदवार मांगते हैं, और आज वो लोग जोड़ा पलट पलट के जा रहे हैं। उनको पूछो तो सही कि कितने के माल में जोड़ा पलटा, ये जाके पूछो कि अब आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, आपको क्या क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या नहीं दिया। दो बार जिस पद पे मैं आधा अधूरा पद हूँ, मेरे पास पूरा पद नहीं है चेयरमैन का, मेरे पास भाई आधा पद है, मेरी भतीजी चेयरमैन है, मैं तो ठंडा चेयरमैन ही करूँ मान लो, लेकिन फिर भी जाना बता दू क्या जगह लोग 8-8 बार विधानसभा को बजट रखियो। आज मैं मैदान में चंद्रमल जी बैद का बेटा सीएस बैद, 8-8 बार वित्त मंत्री रहा, मैं तो एक नगर पालिका वित्त मंत्री हूँ, अगर वह चाहता तो ए विधानसभा ने आज फिजा बदल सका, तारानगर की आपा बदलिए ना, पूरी विधानसभा की फिजा बदल सकता, और आपा तो खाली नगर पालिका का वित्त मंत्री है, आज नगर पालिका 0 से हीरो है पूरे राजस्थान में। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग काम नहीं चाहते, सिर्फ अब उनका काम है कि हम मैदान में हैं, चंदा लेके बटोर के चले जाएंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी आएंगे नहीं। आज बता रहा हूँ 11 तारीख बाद में तारानगर वाली जनता तो मुंह करने दे, कौन दे तारानगर है, मैं तो जयपुर और दिल्ली जागा, अच्छा तो आप रहा सारा तारा चरा गुलाब लगेगी, और तारानगर ऐसा तारानगर बनावा सारा मिल के, सारा युवाओं का सपना पूरा होगा, माता बहनों का सपना पूरा होगा, और थाने विश्वास दिलाऊं ऐसा तारानगर पूरी विधानसभा को एक सुनहरी विधानसभा बनाएंगे। आप एमएलए होंगे और ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक होगा, आपका हुक्म चलेगा, आप सब एमएलए होंगे। मैंने जिंदाबाद मैंने चेयरमैन बनने से पहले रुको लड्डू की व्यवस्था रुको चेयरमैन नहीं बनूंगा मैं।
मैं चेयरमैन बनने से पहले कहा था कि चेयरमैन मैं नहीं बनूंगा, तारानगर की जनता बनेगी और आज पूरी जनता चेयरमैन है, कल पूरी जनता एमएलए होगी। ये आपका सेवक का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राकेश जी सुनो सुनो, एक बार सब लोग गले बैठेंगे, सब लोग यही बैठेंगे, एक बार रुको, एक बार रुको, सब लोग यही बैठेना, ऐसे बैठेना, एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम और एक छोटा सा प्रोग्राम बैठे रहेंगे 5 मिनट के लिए। प्रत्येक आदमी को दो दो लाडू मिलेंगे, घूमझोर करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आके लाडू देंगे। अभी लाडुओं से माननीय पूनिया को और भाई राकेश जी को तोला जा रहा है और यही लाडू है आपके पास, प्रत्येक आपका बेटा हमारी राकेश 5 मिनट की बात है, सब लोग बैठे, बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम हुआ अपना, तारानगर में जबरदस्त संदेश आएगा, सब लोग बैठे रहे। युवा है जमाने में अपनी चमक छोड़ जाएगा, युवा है जमाने में अपनी चमक छोड़ जाएगा, युवा है जमाने में अपनी चमक छोड़ जाएगा, कांच है टूट कर भी अपनी कनक छोड़ जाएगा। एक बार मौका देकर देखो साथियों, ये राकेश जाएंगे राजस्थान में तारानगर का इतिहास रच जाएगा। राकेश 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 लकी है, जीत हमारी पक्की है, राकेश लकी है, जीत हमारी पक्की है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नीचे 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 टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ। भारत माता की, भारत माता की, सभी भारतवासियों की, सभी भारतवासियों की, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आभार आप लोग। राकेश हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा विधायक कैसा हो, जिंदा हो भारतीय जनता पार्टी, जिंदा हो भारतीय जनता पार्टी, जिंदा हो हमारा विधायक कैसा हो, राकेश सागर कैसा हो, हमारा विधायक जीतेगा, राकेश सागर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राकेश सागर कैसा हो, कैसा हो राकेश सागर, कैसा हो राकेश सागर, राकेश सागर कैसा हो। Gracias.
नीचे करो बत्ती नीचे करो ओम शनि चराय बाबा राखे मुते करो बेड़ा पार देखे भैया बाकी मत ही ना बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। हे बाबा देव नारायण तो